हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टप्पर्स जीके स्टडी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग किस भारतीय शहर किस नदी के किनारे बसा है उसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ये पार्ट टू है। अगर पार्ट वन का प्लेलिस्ट पर है जाकर देख लेना, ओके, पार्ट वन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है विजयवाड़ा शहर। विजयवाड़ा सिटी आंध्र प्रदेश का है, जो कि कृष्णा रिवर के किनारे बसा है। फिर नेक्स्ट आता है सांगली, महाराष्ट्र का एक सिटी है, ओके, जो भी कृष्णा रिवर के किनारे बसा है। फिर आता है कराड़, महाराष्ट्र, कृष्णा नदी के किनारे, ओके। फिर आता है बांकी, जो कि उड़ीसा का एक शहर है, वो महानदी पर बसा है, ओके, महानदी के किनारे। फिर आता है कटक, जो कि उड़ीसा का एक प्रमुख शहर है, ये भी महानदी के किनारे बसा है, ओके। संबलपुर, ये भी उड़ीसा का एक प्रमुख शहर है, ये भी महानदी के किनारे बसा है, ओके। फिर आता है केरला का कोट्टम शहर, ये मीनाचिल रिवर के नदी के किनारे बसा है, कोट्टायम, केरला, मीनाचिल नदी। फिर आता है पुणे, महाराष्ट्र का है, पुणे एक मेन सिटी है, ओके, फेमस सिटी है इंडिया का भी, ओके, ये महाराष्ट्र में है, ये मुला रिवर और मुथा रिवर के नदी के किनारे बसा है। पुणे सिटी मुला और मुथा दोनों रिवर के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है, वो मुसी नदी के किनारे बसा है, ओके। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, जो कि मुसी नदी के किनारे बसा है, ओके। नेक्स्ट आता है जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक शहर है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है। फिर आता है भरूच, गुजरात की शहर, नर्मदा नदी के किनारे ये भी बसा है, भरूच, गुजरात, नर्मदा नदी। फिर नेक्स्ट आता है मंगलोर, कर्नाटका की एक प्रमुख शहर है, ये नेत्रावती नदी और गुरपुर नदी के किनारे बसा है, ओके। मंगलोर कर्नाटका की नेत्रावती नदी और गुरपुर नदी के किनारे बसा है। फिर कोयम्बातूर, जो कि तमिलनाडु का एक प्रमुख शहर है, ये नोयल नदी के किनारे बसा है, ओके, कोयम्बातूर, नोयल रिवर। फिर आता है कोल्हापुर महाराष्ट्र का पंचगंगा नदी के किनारे बसा है। फिर आंध्र प्रदेश का नेल्लूर शहर पेन्ना रिवर के किनारे बसा है, नेल्लूर, पेन्ना रिवर, ओके। फिर नेक्स्ट आता है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, ये राप्ती नदी के किनारे बसा है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट आता है अहमदाबाद, गुजरात की एक प्रमुख शहर है अहमदाबाद, जो कि साबरमती नदी के किनारे बसा है, ओके, अहमदाबाद, गुजरात, साबरमती नदी। नेक्स्ट आता है अयोध्या, और जिसको हम लोग पहले नाम था इसका आवध, ओके, जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, वो सरयू नदी के किनारे बसा है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आ भी चुका है, ओके, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सरयू नदी अयोध्या के किनारे, ओके, यानी कि अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट आता है महद, जो कि महाराष्ट्र की एक सिटी है, वो सावित्री नदी के किनारे है। फिर आता है कर्नाटका की एक शहर है होन्नावर, ओके, क्या है होन्नावर, वो शरावती नदी के किनारे है। फिर मध्य प्रदेश का उज्जैन सिप्रा नदी के किनारे, ओके, उज्जैन शहर सिप्रा नदी के किनारे है। फिर आता है फिरोजपुर, जो कि पंजाब का एक शहर है, फिरोजपुर सतलेज नदी के किनारे है, ओके, पंजाब का फिरोजपुर सतलेज नदी के किनारे है। फिर नेक्स्ट आता है सूरत, ओके, जो कि गुजरात की एक प्रमुख शहर है, सूरत, वो ताप्ती नदी के किनारे है, ओके, सूरत किस नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे है। फिर नेक्स्ट आता है तिरुनेलवेली, तमिलनाडु का ये एक प्रमुख शहर है तिरुनेलवेली, जो कि थमिराबरन नदी के किनारे है,
किसके किनारे है? थमिराबरन नदी के किनारे तिरुनेल वैली बसा है। फिर नेक्स्ट आता है शिमोगा, जो कि एक कर्नाटका की एक शहर है। शिमोगा टुंगा नदी के किनारे बसा है, शिमोगा टुंगा नदी। फिर नेक्स्ट आता है कुडली, कुडली कर्नाटका की एक शहर है जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। ओके, कुडली कर्नाटका की है शहर है जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है, कुडली तुंगभद्रा। फिर नेक्स्ट आता है मरजात, मरजात महाराष्ट्र की है एक शहर है जो कि उहास नदी के किनारे बसा है। ओके, मरजात, सॉरी मरजात नहीं है, करजात, करजात महाराष्ट्र की एक शहर है जो कि उहास नदी के किनारे बसा है, करजात उहास नदी। नेक्स्ट आता है मदुराई तमिलनाडु का एक प्रमुख शहर है जो कि भाईगाई नदी पर बसा है। ओके, भाईगाई नदी के किनारे बसा है मदुराई, भाईगाई रिवर। फिर आता है वडोदरा गुजरात की एक प्रमुख शहर है, गुजरात की वडोदरा, वो विश्वामित्र नदी के किनारे बसा है। ओके, वडोदरा गुजरात की विश्वामित्र नदी के किनारे बसा है। फिर आता है बेंगलोर, ओके, बेंगलोर जो कि कर्नाटका की कैपिटल यानी कि राजधानी है, वो बृषभवती जो कि बेंगलुरु के साउथ में बहता है। ओके, उस नदी का नाम क्या है? बृषभवती, बृषभवती नदी के किनारे बेंगलुरु स्थित है। ओके, और ये साउथ में बहता है बेंगलुरु शहर की, बेंगलुरु शहर बृषभवती नदी। फिर आता है आगरा, उत्तर प्रदेश में है ये आगरा शहर और ये यमुना नदी के किनारे बसा है। ओके, आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। फिर आता है न्यू दिल्ली, भारत का राजधानी है ये न्यू दिल्ली, ये भी यमुना नदी के किनारे बसा है। फिर आता है मथुरा, उत्तर प्रदेश का एक शहर है मथुरा जो कि यमुना नदी के किनारे है। ओके, मथुरा यमुना नदी। फिर आता है इटावा, इटावा जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है वो भी यमुना नदी के किनारे बसा है। ओके, इटावा उत्तर प्रदेश यमुना नदी। ओके, थैंक यू, आज इतना ही था, ये दो पार्ट टू है। ओके।